दरगाह और पुष्कर एरिया को विशेष फोकस बच्चों की जो समस्या के लिए किया गया है। तो हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने ये कार्य योजना पूरी 3 महीने की बनाई है, जिसमें नवंबर माह में हमने एक जन जागरूकता अभियान चलाया। एनजीओ के माध्यम से हमने पैम्पलेट्स बांटे और लोगों को, आम नागरिकों को जागरूकता ये फैलाई हमने की वृक्षावृत्तियां क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। नगद बच्चों को पैसा देते हैं और कूपन सिस्टम यहाँ लागू कर रखा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यवस्था यहाँ बंद हो। इसके आकर्षण में भी बच्चे यहाँ पे वृक्षावृत्ति के लिए विशेष आकर्षित हो रहे हैं। प्लस हमने यहाँ दलवीर जी हमारे एसएसओ हैं दरगाह थाने के, यहाँ उनसे बैठ के हमें काफी हमने चर्चा की इस बीच में। इसके लिए हमने ये प्लान बनाया कि हम रेगुलर इस पूरे माह पर बच्चों को रेगुलर हम यहाँ ये रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद बच्चा अगर 3 बार से ज्यादा आता है तो हम ये बाल अधिकारिता विभाग के जो हमारे जो शेल्टर होम बने हुए हैं उन बच्चों को वहां पर हम 6 महीने तक रखे और एक बच्चों के लिए विशेष प्रयास हम करेंगे ताकि बच्चों को हम वृक्षारोपण से, बाल श्रम से उनको दूर कर सकें और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको हम शिक्षा से जोड़ सकें। आज कितने बच्चों को दस्तयाब किया? आज हमने लगभग 5 से 7 बच्चों को हमने यहाँ बुलाया था, जिसमें से 2-3 बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए, तो उनको समझाइश करके, बालकान समिति हमारे साथ ही है, समझाइश करके हमने उनको समझाया, एक मौका दिया है। और बाकी 2 बच्चे जो आउट ऑफ स्टेट के हैं, 2-3 बच्चे, उनको हमने यहाँ वापस हमारे शेल्टर होम में बालकान समिति ने आदेश किया है। मैं अभिषेक गुजराती, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मैं इस कार्यक्रम का नोडल ऑफिसर हूँ। बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एनसीबीसीआर का एक्शन प्लान के संबंध में हम यहाँ पर आए हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक जॉइंट एक्शन प्लान निकाला था, जिसमें हम लोगों को दरगाह और पुष्कर के एरिया के अंदर में ज्यादा जागरूकता बरतनी है। इसलिए हम यहाँ पर आए दरगाह के थाना में और यहाँ पर थाना अधिकारी सबने बात करी और आज 3 बच्चों को हमने लिया है यहाँ पर, जिन्हें हमने शेल्टर कराया है। बाल श्रम के मामले हमने यहाँ देखे, भिक्षावृत्ति के मामले हमने यहाँ देखे। जनरली होता है कि बच्चे आते हैं और हम शेल्टर कर देते हैं और बच्चे वापस रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ 3 महीने हम लोगों ने सोचा है कि लगातार यहाँ पर पुलिस को निर्देशित किया है कि आप यहाँ पर बच्चों को रेस्क्यू कराएं। भिक्षावृत्ति के मामले हो, चाइल्ड लेबर के मामले हो, बच्चे जो ऐसे ही घूम रहे हैं उनके मामले हो, ताकि फिर हम उनका एक मास्टर शीट हम उनके एक तैयार करेंगे रिपीटर बच्चों की। उसमें हम ये करेंगे कि हम बच्चा आएगा, बच्चे को हम लेंगे, बच्चे का हम नाम देखेंगे, किस केस में हम ये देखेंगे, और लगातार हम 3 बार तक, ज्यादा से ज्यादा 4 बार तक हम बच्चे को समझाइश करेंगे, बच्चे को शेल्टर करेंगे, बच्चे को छोड़ देंगे। लेकिन 4 बार के बाद अगर बच्चा वापस रिपीटर के केस में हमारे पास आता है तो फिर कम से कम 6 महीने के लिए हम उसे शेल्टर दिया जाएगा, हम लोग उसे शेल्टर करेंगे 6 महीने के लिए। आज आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ आपने दौरा करा? आज हमारा दौरा यहीं का था, दरगाह का ही। यहाँ दलवीर जी हैं, इनसे हमारी बात हो गई थी और इन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, हम लोगों ने बात कर ली। चाइल्ड लाइन हमारे साथ थी और मेरी पूरी टीम के मेंबर हमारे साथ थे, हमारे संप्रेषण गृह के अधिकारी अभिषेक जी सर हमारे साथ थे। थैंक यू।